नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आप ये देख रहे हैं, ये समुद्र के बीच में ये है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत ये प्लेस है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, हम वहाँ भी चलकर आपको दिखाएंगे। वास्तव में यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक भी आना पसंद करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 1970 ईस्वी में नीले और लाल ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित किया गया था, और यह समुद्र तल से 17 मीटर की ऊंचाई पर एक पत्थर के टापू की चोटी पर स्थित है। और यह जगह लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। समुद्र में उठती हुई ये तेज लहरें मन को बहुत ही आकर्षित कर रही हैं। और इस समुद्र के जल की सबसे खास बात यह है कि इसका जो जल है वो बेहद ही क्लीन है, काफ़ी साफ सुथरा है। कन्याकुमारी में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जहां आप यहां पर घूम सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त यहां पर गए हुए थे, उन्होंने इस जगह के बारे में हमें बताया। बहुत सारी जगहों पर वो लोग गए, और मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं भी एक बार ज़रूर कन्याकुमारी चलूँगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सनराइज कैलेंडर एक बनाया गया है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल वाले जगह पर। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है। ऐसा माना जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे और इस टापू पर वो तैर कर यहाँ तक आए थे, और इसी जगह पर उन्होंने रात भी बिताई। इसके बाद उन्होंने अपने आप को देश के सेवा के लिए समर्पित कर दिया और वेदांत संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करने का निश्चय किया। इसीलिए इस जगह को काफ़ी महत्व दिया जाता है, और उन्हीं की याद में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को बनाया गया, जिसे देखने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग इस जगह पर आते हैं। और आप ये देख सकते हैं, एक और टापू है समुद्र के बीच में। चारों तरफ आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको समुद्र ही नज़र आएगा। और वैसे भी कन्याकुमारी भारत का एकदम आखिरी छोर है दक्षिण का। यहाँ आने पर आपको दूर दूर तक पूरा समुद्र ही दिखाई देगा, जहाँ इसका अंत ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक भी आना पसंद करते हैं। मैं भी भविष्य में इस जगह पर एक बार ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यह जगह बहुत ही अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को स्टैच्यू। यहाँ आने पर ऐसा लगता है जैसे मानो एक अलग ही दुनिया में चले आए हों। वास्तव में यह जगह बहुत ही अद्भुत जगह है, और इसीलिए ऐसे जगह पर हम भी एक बार ज़रूर चलेंगे, क्योंकि यह जगह हमें बेहद ही पसंद है। हम देख सकते हैं इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी दर्शाई गई हैं। समुद्र में उड़ती हुई ये तेज़ लहरें भी मन को बहुत ही आकर्षित कर रही हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।